22 जून से इस बार सूर्य उत्तरायण हो गया। इस दिन दो शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन से दिन छोटे व रात बड़ी होगी। आइए पंडित जी से जानते हैं ऐसा क्यों क्यों। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, यह एक ऐसा दिन आ रहा है जिसमें एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। शुक्ल योग और ब्रह्म योग दोनों एक ही दिन बन रहे हैं। ऐसा शुभ अवसर पूर्णिमा के दिन 22 जून के दिन हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस पूर्णिमा की क्या खासियत है? इस पूर्णिमा से ही वेवस्वत मन्वंतर की शुरुआत हुई थी। इस मन्वंतर में भगवान नारायण ने राम अवतार, कृष्ण अवतार एवं बुद्ध अवतार धारण किए हैं और इसी मन्वंतर में कल्कि अवतार भी धारण होगा। और एक महत्वपूर्ण दिवस यह भी होता है कि जगन्नाथ भगवान इस दिन से ज्वर लीला करते हैं। इस दिन से भगवान जगन्नाथ ज्वर लीला करते हैं जो कि 15 दिवस की होती है। उसके बाद रथ यात्रा का जो है क्रम प्रारंभ हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती कि इसी दिन से भगवान शिव जी के ऊपर जो मटकियां, जिसे गलंतिकाएं भी कहते हैं, वह जो जिसमें बूंद बूंद पानी भगवान शिव जी के ऊपर गिरता रहता है, उनका विसर्जन इसी दिन से प्रारंभ होता है। जब भीषण गर्मी होती है तब भगवान शिव जी को ठंडक प्राप्त हो और भगवान शिव जी को जल की धारा प्राप्त होती रहे, इसलिए यह गलंतिकाएं, मटकियां भगवान शिव जी के ऊपर टांगी जाती है। और इस दिन से, पूर्णिमा के दिवस से, यह मटकियां हटानी प्रारंभ हो जाती है और भगवान शिव जी के और भगवान नारायण के प्रति यह जो पूर्णिमा है यह पूर्णतः समर्पित है। इस दिन भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। जो गलंतिकाएं हटती हैं वो भी वैदिक विधि विधान से भगवान शिव जी का पूजन कर हटाई जाती हैं। सूर्य इस दिन से उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, जिसमें दिन छोटे और रात्रि बड़ी होने लग जाती है। अब एक बात यह भी होती है कि इसी दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, जिससे कि सूर्य और चंद्रमा की एक दूसरे पर दृष्टि जो होती है वह संसार में कई प्रकार के शुभ मांगलिक अवसर उत्पन्न करते हैं, जिससे कि समस्त संसार का भला होता है। जय श्री कृष्ण।